आसिफ हत्याकांड को लेकर सोहना के गांव दमदमा में एक पंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में कहा गया कि दो युवकों की लड़ाई को धार्मिक उन्माद का रूप दिया जा रहा है, जिस पर दबाव में बेकसूरों को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। प्रशासन बिना दबाव के काम करे। पंचायत में इस मामले को लेकर 31 सदस्य कमेटी गठित की गई। कमेटी इस मामले को लेकर सोहना विधायक संजय सिंह से उनके निवास स्थान पर मिली और कहा कि बेकसूरों के खिलाफ प्रशासन दबाव में कार्रवाई न करे। वहीं उन्होंने मृतक आसिफ की पुरानी पृष्ठभूमि पर भी सवाल उठाए और कहा कि ये कोई समुदायों का आपसी झगड़ा नहीं था, बल्कि दो युवकों की आपसी लड़ाई थी, जिसे धार्मिक उन्माद दिया जा रहा है। आसिफ कांड को लेकर गांव दमदमा में एक पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में मौजूद लोगों ने कहा कि जो झगड़ा हुआ है वो दो युवकों के आपसी झगड़े को लेकर हुआ था, जिसको अब धार्मिक उन्माद का रूप दिया जा रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन ने इसमें दबाव के चलते कुछ बेकसूर लोगों को भी गिरफ्तार किया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि बेकसूर लोगों को इसमें गलत तरीके से नहीं फंसाया जाए, मामले की पूरी तरह से जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं उन्होंने आरोप लगाए कि कुछ लोग इस झगड़े को दो समुदाय के बीच में नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार और प्रशासन कठोर कार्रवाई करे। इस दौरान चेतावनी भी दी गई कि अगर बेकसूरों के खिलाफ दबाव में कार्रवाई की जाएगी तो एक बड़ी पंचायत करके एक बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। जो हादसा हुआ है उस बात के लिए, एक तो सबसे जो निंदनीय बात है, पूरे इलाके ने कहा कि हमारा इलाका शांति प्रिय है, भाईचारा बनाने में विश्वास रखता है, लेकिन कुछ शरारती तत्व इस धर्म वजम की बात करके ना, जात बरादरी की बात करके किसी बरादरी को बदनाम करने की जो साजिश रची है उसकी निंदा की है लोगों ने। अब ये महज जो झगड़ा हुआ खेड़ा खलीलपुर में, ये सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा है, उस झगड़े को किसी धर्म से जोड़ना एक तो वो बहुत गलत बात है, उसकी निंदा की है लोगों ने। सरकार प्रशासन से मांग कर रहा है सारा इलाका, जो इसमें जायज है वो करे, नाजायज वो किसी को तक ना करे। जो इस तरह के शरारती तत्व जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार उनके खिलाफ भी सख्त कदम ले, अगर दोबारा से कोई इस तरह का उन्माद फैला कर किसी ने। इस मामले को लेकर 31 सदस्य कमेटी गठित की गई, जो सोहना विधायक संजय सिंह से उनके निवास स्थान पर मिली, जिसके बाद विधायक ने लोगों को आश्वासन दिया कि बेकसूरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी और जो दोषी हैं उन्हें किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। पिछले जो उसको लेकर के पूरे इलाके और छत्तीसगढ़ की जो पंचायत हुई, पंचायत में 31 लोगों की जो कमेटी बनी है, वो कमेटी आज मेरे पास आई और मैं समझता हूँ जहाँ तक ये कमेटी का जो डिसीजन है मैं उसके समझता हूँ। जो ये हादसा हुआ है, एक महज एक हादसा और एक आपसी दो बच्चों की लड़ाई है, खामा खा जो अपना सामाजिक बातें करके उसको बढ़ाने का जो काम किया जा रहा है, मैं उसकी निंदा करूँगा। जहाँ तक न्याय की बात है, मनोहरलाल खट्टर की सरकार है, 100% न्याय होगा, किसी भी निर्दोष के साथ जाति नहीं करनी। लेकिन जो इसकी मौत हुई है वो किस प्रवृत्ति का इंसान था उसके बारे में बताया। बहरहाल देखना ये होगा कि इस मामले को लेकर सही गलत का फैसला कब तक हो पाता है, जो अभी तक आने वाले वक्त के गर्भ में है। सोहना से संजय राघव की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।